या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, माँ भगवती जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनाए रखें। नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। नवरात्रों के दिनों में माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। प्रिय भक्तगणों, कवच कीलक अर्गला के बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा होता है, ये खुद ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि से कहा था। इसके बाद ही पाठ करना उचित होता है। माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए श्री दुर्गा कवच, जो श्री दुर्गा सप्तशती का ही हिस्सा है और 18वें पुराण के अंदर एक मार्कंडेय पुराण का एक अहम भाग है, इसके पाठ से ही मनुष्य की तीनों प्रकार की दैहिक, दैविक और मानसिक विकार समाप्त होते हैं तथा धन, वैभव, यश, मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य को जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। तो आइए भक्तगणों, बड़ी ही भक्ति भाव से पाठ श्रवण करते हैं। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं, उन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम में अलग अलग बताता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंदमाता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी तथा नौवां सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकट पात्र अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगत जननी माँ दुर्गा के शरण में हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह रोग, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती रहती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, बराही का महिष, इंद्री का एरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ है। महेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णुपति महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमल आसन पर विराजती हैं। श्वेत वर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्रह्मचारिणी समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ हैं। समस्त देवियां अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सुसज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दल तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृत से रथ में सवार रहती हैं। इन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य देवताओं की रक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभयनाशकारी महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त हे महारौद्रे, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करो। आग्नेय शक्ति आग्नेय कोण में रक्षा करो। बराही देवी दक्षिण दिशा में, खड़ग धारणी नेत्रेत्र कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम में तथा मृगवाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। कौमारी शक्ति उत्तर में, त्रिशूल धारणी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्मारी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार सवारूढ़ चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करें। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति, दाहिनी ओर अपराजिता, शिखा में
उद्धोतिनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करें। ललाट में माला धरी, दोनों भवों में यशस्विनी, भ्रू मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा शक्ति मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल भाग में सांकड़ी शक्ति मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अवरोष्ठ में अमृत कला और जीभ की रक्षा सरस्वती करे। मेरी दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की त्रिघंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी हड्डी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष धरी शक्ति मेरी रूढ़ दंड रीढ़ की रक्षा करें। कंठ के बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नील में नल कुवरी, दोनों कंधों की खड़गिनी एवं ब्रज धारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। दोनों हाथों की दाहिनी उंगलियों की अंबिका, नख की मूलेश्वरी और कुछी भाग की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की एवं शूल धारणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामिका एवं गुप्तांग में गुहेश्वरी देवी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रवेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबाला मेरे जंघा की रक्षा करें। दोनों पैर की हड्डियों की नारसिंही, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजसी देवी, पैर की अंगुलियों की श्री देवी तथा तलुओं की रक्षा सलवाशिनी करें। दंडष्ट्रा कराली नखों की ऊर्ध्व केशनी देवी, केश की कौवेरी रोमावली के छिद्रों में तथा वागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा चर्बी मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। काल रात्रि आतो की मुकुटेश्वरी पित्त की, पद्मावती पद्मकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेधा शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करें। ब्रह्माणि शुक की छत्रेश्वरी छाया की धर्म धारणी शक्ति हमारे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। ब्रजहस्ता प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रज रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व रज एवं तमो गुण की रक्षा नारायणी देवी करें। वराही आयु की वैष्णवी धर्म की चक्रणी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करे। सुपथा देवी पथ की क्षेमकरी मार्ग की महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है उस सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करें। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु उसे निश्चित ही मिल जाती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रैलोक में होता है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धा पूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं उन्हें देवी कला प्राप्त होता है तथा वे त्रैलोक में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी सतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके तुला एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है विस्फोटक चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे कनेर भांग अफीम आदि सर्प बिच्छू आदि के दंश द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म मारण मोह वशीकरण उच्चाटन
विद्वेषण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र यंत्र पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवतादि जलोत्पन्न उपदेश शक्ति समस्त देवतादि समस्त कुल देवता कंठमाला डाकिनी साकनी तथा अंतरिक्षचारी भूत पिचास यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुशमांड तथा भीषण भैरवादी समस्त अनिष्ट कारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है। वह प्राणी अपने कीर्ति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अनंतर जो सप्तसती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़ वन और कान युक्त यह पृथ्वी उपस्थित है। इस कवच का नित्य प्रति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सानिध्य को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त। मार्कंडे जी ने कहा, जगत अंबिका के स्वरूप भूत जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी, आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त हे देवी तथा कालरात्रि, आपकी जय हो। हे मधु कैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्मवरण प्रदे देवी, आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप विजय यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप यश जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड मुंड एवं रक्त बीज आदि दत्यों की विनाशिनी देवी, तुम मुझको रूप जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शुंभ निशुंभ और धूम्राक्ष नामक राक्षस की संहारिणी देवी, तुम मुझको रूप यश सुख ख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरणा और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी हे देवी, तुम मुझे रूप यश और कीर्ति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचिंत स्वरूपा एवं अचिंत चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी, तुम मुझे रूप यश कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप नाशिनी हे चंडिका देवी, जो लोग तुम्हारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं उन्हें तुम रूप यश कीर्ति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्यधा विनाशिनी चंडिके देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें तुम रूप यश और जय प्रदान करो, उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति युक्त तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं उनको तुम रूप यश और यश दो तथा उनके वैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो, रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों के शिरो रत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्त जनों को विद्वान यशस्वान धनवान बनाओ। तुम मुझको रूप जय यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्व को चूर करने वाली हे चंडिके, तुम शरणागत को रूप जय यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारी ब्रह्मा द्वारा वंद परमेश्वरी, तुम मुझे रूप जय कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं, तुम मुझे रूप जय यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप जय यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचिपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजिता हे परमेश्वरी, तुम मुझको रूप जय कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्भ का दलन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो।
अपने भक्तजनों को अत्यंत आनंद प्रवर्धनी हे अंबिके, तुम मुझे रूप जय यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, तुम्हारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार कराने जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्रोत का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। इस प्रकार अगला स्रोत समाप्त होता है। अब आइए सुनते हैं किलिक स्त्रोत। मार्कंडे मुनि ने कहा, जिस आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों के समान है, जिन्होंने अपने मस्तक पर चंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारणभूत हैं, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह किलक सप्तशती पाठ के लिए सप्तशती मंत्रों के अगण्य भूत स्वरूप है। जो लोग इस किलक का पाठ करते हैं, उनका सदैव मंगल होता है। इस किलक पाठ से उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्त्रोत के पाठ करने से ही भगवती दुर्गा उन पर प्रसन्न होती हैं। उच्चाटन आदि कर्मों की सिद्धि तथा भीषण व्याधि विनाशक के निमित्त यंत्र मंत्र तंत्र आदि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायन आदि औषधि की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस किलक के पाठ मात्र से ही बिना तंत्र मंत्र तथा औषधियों के ही उच्चारण आदि क्रियाएं संपन्न होती है तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहां अन्य मंत्रों आदि के जाप से जो फल प्राप्ति होती है, वही केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियां उपलब्ध होती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंका रूपी प्रश्न के समाधान में भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त रखा, अर्थात सप्तशती के समस्त मंत्रों को किलक कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या अष्टमी को स्थिर चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसका निसंदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा को अर्पण कर प्रसाद स्वरूप में उस धन का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चित ही उन लोगों पर प्रसन्न होती हैं, क्योंकि सप्तशती के फल को शिव जी ने किलक कर रखा है। जो लोग पहले किलक का पाठ करके पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं, वे अनंत काल में सिद्धि देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष के अधिकारी होते हैं। इस किलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चात ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस किलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है, उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्त्रोत का पाठ मंद स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। एतएव सर्वप्रथम किलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती की कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रु विनाश एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस महामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। इस प्रकार किलक स्त्रोत समाप्त। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। पहली प्रकटी देवी शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारी जग निर्मात्री, देख रूप बलिहारी मैं जाऊं,
नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, तीसरी चंद्र घंटा शांति दायक, तीसरी चंद्र घंटा शांति दायक, चौथी कोस मांडा जग की नायक, माँ के चरणों में शीश नवाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, पांचवें स्कंद माँ भाग्य की दाती, पांचवें स्कंद माँ भाग्य की दाती, छठी कात्यायनी तुष्टि दाती, ज्योति जलाऊं मैया सुमिरन गाऊं, ज्योति जलाऊं मैया सुमिरन गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, सातवें काल रात्रि शुभ फलदायक, सातवें काल रात्रि शुभ फलदायक, आठवीं महागौरी शक्तिदायक, महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं, महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नवी महामाई माँ सिद्धिधात्री, नवी महामाई माँ सिद्धिधात्री, नौ दुर्गा पूजन से पूर्ण नवरात्रि, नौ दुर्गा पूजन से पूर्ण नवरात्रि, दुर्गा पूजन का आनंद पाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। बोले अम्बे मात की जय, हर हर महादेव।